धरने पर डीसीपी का बयान, कहा राजनीति के लिए ना हो थाने का इस्तेमाल। टीएमसी सांसदों के धरने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा हम टीएमसी के साथ गए, मंदिर मार्ग पुलिस थाने में धरना दे रहे हैं टीएमसी नेता। टीएमसी के धरने पर आप नेता संजय सिंह ने किया पोस्ट, लिखा चुनाव आयोग से न्याय मांगो तो आपको जेल मिलेगी, हम टीएमसी में उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में टीएमसी नेताओं का धरना, टीएमसी के 5 सांसद धरने पर शामिल, एनआईए के डीजी, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को तुरंत हटाने की मांग की गई। दिल्ली में थाने परिसर के बाहर बैठे हैं टीएमसी नेता, मंदिर मार्ग थाने के बाहर रात से दे रहे हैं धरना, ईसी ऑफिस के बाहर दे रहे थे धरना, पुलिस हिरासत में लेकर थाने गई थी। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग ने बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिए, गृह मंत्रालय को 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, कल शोपिया में हुआ था आतंकी हमला, हमले में घायल शख्स का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा सभी समुदाय कर रहे पीएम को सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास नारे का समर्थन, यूपी की सभी 80 सीटें जीत रखी है बीजेपी। माननीय मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को अपना समर्थन दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, पोस्ट कर कहा राष्ट्रवाद की प्रचंड लहर, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को रास नहीं आ रही, 4 जून को 4 सपार। शहडोल से सड़क के रास्ते उमरिया पहुंचे राहुल गांधी, उमरिया से हेलीकॉप्टर के जरिए हुए रवाना। टीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, के कविता की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, ड्रग्स माफिया जफर सादिक के ठिकानों पर छापा, 2000 करोड़ की ड्रग बरामदगी में एनसीबी ने जफर को किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव की धूम, सीएम एकनाथ शिंदे ने शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। तेलंगाना में मनाया गया उगादी उत्सव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल, पूजा अर्चना भी की। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में राजस्थान से आरोपी को किया है गिरफ्तार, लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद फरार हुआ था आरोपी, पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है आरोपी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हुए, गाड़ी में सवार थे 10 लोग। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या आरोपी विजय नारायण, के हत्या आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, हत्याकांड के 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के बैराज में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत, फरार कार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस के खत्ते चढ़ा हत्यारोपी विजय नारायण, के हत्यारोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। हो रहा है इस अवसर पर मैं आप सबको भी आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा के इस पावन दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, बलदेव सिंह ओलक जी, संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट से
प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत की इस धरती पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा है भारत, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। हमारा ये पीलीभीत जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है, अन्यथा कई कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहां पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आज यहां पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में,
वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं, 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थीं। लेकिन 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और बहनों और भाइयों, आज बदलते हुए नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और बरेली में श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। इन सभी प्रत्याशी